ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ भी एक्स वाई जी करके मास हो सकता है, ठीक है। अब इसमें फोर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको बैलून को ब्लो करूंगा, और इतना मैंने बैलून ब्लो किया तो देखो बैलून क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा और ये बॉडी एक्सेलरेशन में जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ छोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई। और इसने कितनी डिस्टेंस कवर की ये आप एक बार मार्क कर लेते हैं, इस बॉडी ने यहाँ तक डिस्टेंस कवर की। तो फिर से हम एक बार दोबारा दूसरा केस लेंगे, फिर से मैंने बैलून को जो है इतना ही ब्लो कर लिया जितना वो था, बट इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी YouTube की जितनी भी कमाई है मेरी वो मैं इसमें रख रहा हूँ। तो क्या हुआ, अब इसका बॉडी का जो मास है वो बढ़ गया, और अगर अब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या ये उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी इसने पहले की थी, देख लेते हैं। ये यहां से सिर्फ यहां तक जा पाया, और यही है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो किस तरीके से समझा जा सकता है कि किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उसके मास पे और उस पे लगाए हुए फोर्स पे डिपेंड करेगा।